दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा में जो आपके बिहार के तर्ज पर नियमावली बनाई गई है, तो यहाँ पर आप लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था सर कि बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा जो हुआ है उसके सारे PDF को आप यहाँ पर वीडियो बना करके दीजिए। तो देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर डेली प्रतिदिन सुबह में 4 बजे आपके लिए मैं यहाँ पर जो बिहार में पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपके लिए पार्ट बाय पार्ट लेकर के आ रहा हूँ कि जिससे वीडियो बड़ी नहीं हो। तो यदि आप भी यहाँ पर बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर आपको यहाँ पर बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा के सभी हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो है आज मैं SST और साइंस के 25 प्रश्न को लेकर के उपस्थित जो आपके 2015 में, ठीक है, यह परीक्षा 2015 में SST और साइंस से पूछा गया 25 प्रश्न कौन सा था वो आप इसमें देख पाएंगे। और देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आप अपना स्कोर शेयर करना नहीं भूलिएगा कि आपका स्कोर कितना आया, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुबह में आपको प्रतिदिन 4 बजे दिया जा रहा है और यहां पर इसका क्लास चाहिए, ठीक है। यदि आप इसका क्लास करना चाहते हैं तो आप जरूर लिखिएगा कि सर क्लास शुरू किया जाए, तो आपके रिक्वेस्ट पर मैं यहां पर आपके लिए क्लास भी शुरू करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा 2015 में SST और साइंस से क्या प्रश्न आया गया था और आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। आप इसका लेवल जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके यहाँ पर झारखंड में आपकी पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा होना तय है और होके ही रहेगी। तो आप चलिए देख लीजिएगा बिहार में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप यहां पर विभिन्न विटामिनों का रासायनिक नाम का ट्रिक चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको रासायनिक नाम का ट्रिक दे दूंगा जिससे आप एकदम मिनटों सेकेंडों में ABCDE के सभी का नाम बता सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पर आंसर क्वेश्चन को ले चल रहा हूँ। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सही आंसर क्या होगा, रेटिनॉल, नियोसिन, बायोटिन, साइनोकाबालामिन, क्या होगा, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल इसके सही आंसर होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान या सैनिक अलंकरण क्या है आपसे पूछा गया है, अशोक चक्र, कृति चक्र, परमवीर चक्र या महावीर चक्र। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो होता है सर्वोच्च सैनिक सम्मान जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परमवीर चक्र, जो होता है भारतीय सेना के लिए सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है अपनी जिंदगी में जो मिलता है। अगला होता है हाथी गुम्फा किस राज्य में है। हाथी गुम्फा जो है वो किस राज्य में आपका स्थित है, आपको बताना है बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो देखिए, हाथी गुम्फा लेख जो यहाँ पर तैयार किया गया है वो आपके जो है यहाँ पर उड़ीसा में है। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है हाथी गुम्फा का अभिलेख या हाथी गुम्फा जो कहते हैं। अगला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो देखिए, इसका सही आंसर तो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है हम लोग इसको यहाँ पर मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, इसको मेघना के नाम से जानते हैं। विभिन्न जगहों पर इसका नाम अलग अलग होता है जिसको आप सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए, किसी भी एग्जाम में आप देखते हैं तो यहाँ पर त्यौहार और लोक नृत्य से एक प्रश्न निकल के जरूर आते हैं, तो ये इसका मैं आपको टॉपिक भी अलग से दे दूंगा, विभिन्न राज्यों का लोक नृत्य या त्यौहार जो होता है, तो मैं अलग से जब आपके एग्जाम की जब भी निमाली बन जाती है तो मैं आपको सारे चीज़ें सब प्रोवाइड करवाते जाऊँगा और आपका लाइव क्लास में लूँगा, ठीक है। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, केरल, तमिलनाडु, असम या कर्नाटक, ठीक है। तो पोंगल जो है आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। पोंगल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का है। अगला देखिएगा, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ठीक है। मानव शरीर हम लोग का है ना, ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें सबसे मजबूत सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, एकृत होता है, कार्निया होता है, दांत की परत होता है या रेटिना होता है। देखिए, सबसे जो मजबूत होता है, सबसे कठोर जो होता है वो होता है हमारे दांत की परत या एनमिया, ठीक है। इसको हम लोग दांत की परत को हम लोग सबसे कठोर पदार्थ मानते हैं। अगला देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 7 अप्रैल, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल, गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान को भी आपको पढ़ना है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो है आपका कर्नाटक। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? देखिए, हम लोग यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपोल फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है उपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल और घर्षण बल या बाह्य बल। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है ना, तो यहाँ पर जो बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगला है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या पाउली ने? किसने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए, अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो किया गया था वो आपको किया गया था हाइजेनबर्ग ना, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, बहुत ही हल्के और क्वेश्चन आते हैं, आप अपना आकलन जरूर करेंगे कि आपकी स्कोर कहाँ जा रही है, जरूर शेयर करेंगे। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? जो जिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो जिला दर्रा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। एक दर्रा से आते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, दर्रा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं PDF आपको यहाँ पर वीडियो बना करके PDF डाउनलोड कर दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रूस का, रॉबर्ट कोच का, लुवेन हॉक को या CP स्वानसन ने किया? ठीक है, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? तो नोल और रूस का यहाँ पर आविष्कार किया गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। अगला आप देखेंगे कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि गिर का वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में अवस्थित है यह आपको बतलाना है। तो आप यहाँ पर जान रहे होंगे झारखंड होगा कि छत्तीसगढ़ होगा कि गुजरात होगा या कोई नहीं, तो देखिए गिर का वन जो है आपका गुजरात में है ना, गिर का वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला देखिएगा, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, निरूपण वैद्यनाथन, शिखा ओबेराय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो विंबलडन खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो आपकी है सानिया मिर्जा जी। ठीक है, सानिया मिर्जा इसका सही ऑप्शन होगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती है? देखिए, मैं इसका जब क्लास लूँगा ना तो आप सभी को ये जो डेल्टा निर्माण करती है इस सभी का मैं आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। फिलहाल अभी जो प्रश्न आए हैं उसका आप यहाँ पर देख लेंगे कि आप कितना बना पा रहे हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और झेलम है, सिंधु और झेलम है, गंगा और सिंधु है। ठीक है, तो देखिए दो ही नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, वह नदियां जो है आपकी यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो आपके सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। अगला देखिएगा, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, एक प्रश्न तो आप जानते ही हैं, खेल से एक प्रश्न आता है तो आपके भी एग्जाम में खेल से एक आएंगे और उसमें भी कप से एक प्रश्न होता है। ठीक है, तो कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से या बिलियर्ड से, किससे संबंधित है? ठीक है, तो कोपा कप देखिए आपको जो कप यहाँ होता है वो आपको फुटबॉल खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, कोपा कप आपको किस खेल के लिए दिया जाता है? फुटबॉल खेल के लिए दिया जाता है, यानी कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? देखिए, नृत्य शैली से एक प्रश्न आपके आते हैं, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है बताना आपको? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। देखिए, प्रश्न इतने MBBI है कि जिसको कहा जाए बहुत ही कम पड़ेगा, बहुत बार हर बार एग्जाम में आपके आते ही हैं। यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो आप जरूर देखेंगे कि यह प्रश्न आता है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रसाद हसरत मोहानी, बेनेगल हमाराव, हीरालाल जे कानिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए आपका जवाब आज आ गया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम आर रहमान या हसरत मोहानी जी। ठीक है, तो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था आपको बताना है। तो देखिए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रथम हैं। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, प्रथम जो है ना, विविध से बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, कौन थे आपको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री? ठीक है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। अगला देखिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, वायलेट अलवा, नीरजा भनोट, आरती साहा। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हुई? तो आप सभी यहाँ पर जान रहे होंगे, ये आपकी है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह की वीडियो चाहिए, इसी तरह का सारे PDF चाहिए, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को यहाँ पर जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और 4 बजे सुबह से मैं आपको यहाँ पर इसकी एक क्लास दे देता हूँ आपका, जो कि डेली आपको मिल जाएगा। और वो अभी जो चल रहा है बिहार पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका हैवी डिमांड है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा कि कितने तैयारी हमें करनी है। तो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। और सारे PDF को आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में 2016 का PDF मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, जिसको आप देख लेंगे। ओके, चलिए अगला देखिएगा, यहां पे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आनंदीबाई गोपालराव जोशी, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश, तारा चेबेरियन और कौमिनी राय कौन थी? ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो आपकी सरोजनी नायडू थी, और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला देखिएगा, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, हाइनेमैन, किटा जोटाज और हाइनेमैन। ठीक है, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। अगला देखिएगा, आपके पास है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है आपको बताना है? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। ठीक है, तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो आपका यहाँ पर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है आपका विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला देखिएगा आप यहाँ पर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी बेरी, इश्कर्वी या रिकेटस। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। तो देखिए, इस तरह से 25 प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं, और ये 25 प्रश्न आपके 2015 के जो यहाँ पर बिहार में जो आकलन परीक्षा होकर नियोजित की जा रही है उसमें आपके ली गई थी। तो आपको और सारे प्रश्न आपको डेली सुबह में 4 बजे मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। और दोस्तों मैं बता दूँ, इसकी क्लास चाहिए तो मैं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने के बाद मैं आपकी क्लास भी स्टार्टिंग कर दूंगा PDF पर। तो आप सभी जरूर बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, सारे ताजे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आप यहां जुड़ करके सारे चीजों के पारा शिक्षक से जुड़े सभी अपडेट को आपको मैं देते रहूंगा, पल पल की जानकारी के साथ साथ आपकी पढ़ाई की सिलेबस भी और वेतनमान सारी वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया गया। और आपकी जो डिमांड होगी वो हमारे कॉमेंट से कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको सभी डिमांड को पूरा करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।